जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ऑल वेल सर, बिल्कुल ठीक। जी जी सर, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए ऑडिट डिपार्टमेंट से दो मेंबर्स भी दरकार होंगे। जी जी ठीक है, मैं निकलता हूँ। जी मैं फौरन निकल के आपको रिपोर्ट करता हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़। नटो, नटो फजल बख्श भाई, कहाँ हो फजल बख्श? कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। जिंदा तो हो? अरे यार क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है किसी जंग में फंसा हुआ हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? वो निमरा नहीं है? वो निमरा कह रही थी मुझसे मिलने आ जाओ कुछ लेकर। कुछ लेके? क्या लेके? पता नहीं, वो कुछ परफ्यूम आता है कुछी, वो कह रही है ये लेकर आओ। अच्छा फिर? यार वो कम वक्त 12,000 से कम का ही नहीं है फर्स्ट कॉपी। मैंने उसको वो दिया, उसने कहा नहीं मुझे ओरिजिनल चाहिए। मैंने कहा देखो अभी तो ये दे सकता हूँ, ओरिजिनल की तो औकात नहीं है, मगर कुछ और तुम्हारे लिए कर लो। उसने कहा तुम मुझे खाना खिलाने ले जाओ, तो फिर उसको 5-स्टार लेके जा रहा हूँ। 5-स्टार होटल? तुम्हें पता भी है वहाँ का खाना कितना महंगा होता है? अरे यार लड़की अगर प्यारी हो तो थोड़ा सा नखरा उठाना तो बनता है ना। देखो वो लड़की बुरी नहीं है, बस जरा सी महंगी है, तो कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है, उठा लेंगे नखरे। तुम्हें पता है मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, लाखों तक कहानी चली गई है। फजल बख्श तुम एक नंबर के बुद्धू हो, वो लड़की तुम्हें पागल बनाई जा रही हो और तुम बने जा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। बस दुआ करो मेरी कमेटी वक्त पे खुल जाए, और तुम किसी को बताना नहीं, वो सुकैना मेरी मदद कर रही है। अरे वो सुकैना क्या कर सकती है, वो तो खुद। अरे यार अभी पता है वो निमरा पीछे से मुझे कॉल कर रही है, कल के इतना उसको डाउट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कॉल रखता हूँ। ओके ख्याल रखो। ओके खुदा हाफिज़।